आप कॉपी जांच करने के लिए लगभग कितने साल से जा रहे हैं? हम 2014 से जा रहे हैं सर। बिहार बोर्ड के बच्चों के मन में रहता है कि कॉपी भर देने से नंबर मिल जाता है। बहुत सारे बच्चों के कॉपी में से पैसा निकलता है सर, कभी पैसा निकला है? तो बच्चों को ऐसा गाइड करते हैं कि जो तुमको पहले आता है वो पहले बना लो, तो क्या ऐसा करने से नंबर कट जाता है? हैंडराइटिंग के बारे में सब टीचर बोलते हैं कि अगर हैंडराइटिंग बढ़िया रहता है तो कॉपी जांच करने वाले 5 नंबर एक्स्ट्रा भी दे देते हैं। सर बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि परीक्षा में कॉपी कैसे लीक है, कि खुद कॉपी जांच करने वाले अगर आपको ये बता दें कि परीक्षा में कॉपी कैसे लीक है तो कैसा रहेगा? हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, परीक्षा की तैयारी भी आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप लोग परीक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और अक्सर आपके मन में ये सवाल आते रहता है कि आखिर परीक्षा में हम कॉपी कैसे लिखेंगे कि परीक्षा में हमारा ज़्यादा नंबर आएगा। अक्सर बच्चे ये कन्फ्यूज रहते हैं कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, लेकिन प्यारे बच्चे हम आपको अगर ये बात बोलें कि खुद कॉपी जांच करने वाले अगर आपको ये बता दें कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें तो कैसा रहेगा? भाई जो व्यक्ति खुद जाकर के कॉपी जांच करते हैं उनके पास कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनुभव है, और अपने उस अनुभव के दम पर अगर आपको बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखें कि ज़्यादा नंबर मिलेगा तो आपको कैसा रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो खुद बिहार टॉपर बनी है साजिया प्रवीण, उनके पिताजी जो कि हाई स्कूल के शिक्षक हैं और ये प्रत्येक साल कॉपी जांच करने के लिए जाते हैं, ये अपनी बेटी को भी टिप्स देते थे, हमेशा घर पर गाइड करते थे कि देखो कैसे कॉपी लिखना है, किस तरीके से लिखना है कि ज्यादा नंबर मिले। इनका मतलब ये टिप्स इनके लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल हुआ कि ये बिहार टॉपर बन गए। तो कहीं ना कहीं बच्चे आपके लिए भी ये टिप्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक टिप्स को जो यहाँ पर ये देंगे ना उनको बहुत ही गौर से सुनिएगा, क्योंकि हर एक टिप्स आपके लिए एकदम संजीवन बूटी से कम नहीं होगा। तो हम कहेंगे आपसे कि ये पूरा वीडियो देखिए और एक एक चीज पर गौर करिएगा कि क्या कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बिहार टॉपर बना चुके हैं, ऑलरेडी ये अपने टिप्स के दम पर अपनी बेटी को बिहार टॉपर तक पहुंचाए हैं, तो आप भी जरूर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले सर आपका मोस्ट वेलकम है टारगेट बोर्ड के इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हाँ सर, सबसे पहले सर टारगेट बोर्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, 2 लाइन सर? टारगेट बोर्ड सभी विषय का इसमें पढ़ाई होता है और अच्छे फैकल्टी है। और अच्छा सर ये बात है कि आप कॉपी जांच करने के लिए लगभग कितने साल से जा रहे हैं? हम 2014 से जा रहे हैं सर। 2014 से आप लगातार बिहार बोर्ड में कॉपी जांच कर रहे हैं, मतलब 10 साल का अनुभव सर आपके पास है, और बहुत हमें लगता है कि 10 साल का अनुभव एक बहुत गहरा अनुभव होता है। तो अपने अनुभव के दम पर सर थोड़े से हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको आप थोड़ा आज गाइड करेंगे, बताएंगे कि भाई कॉपी कैसे लिखेंगे कि बेहतर नंबर आ सकता है। सबसे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इनको जो टिप्स देते थे क्या ये टिप्स का पालन करती थी? टिप्स का 100% पालन की है। हाँ, बिहार टॉपर बनी, बिहार टॉपर बनी है सर। तो हम चाहेंगे कि जितने भी सारे बच्चे आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग भी टिप्स को फॉलो करिएगा, इनके कहे हर एक बात को एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में रखिएगा, तभी जाकर के प्यारे बच्चे आप भी बिहार टॉपर बन सकते हैं। सर कॉपी बच्चे अक्सर जब परीक्षा देते हैं ना तो उनके मन में एक सवाल आता है कि कॉपी कैसे लिखना है कि हमको पूरा पूरा नंबर मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आंसर तो पूरा सही सही लिख देते हैं, पूरा आंसर लिख दिए, जब मैट्रिक का रिजल्ट निकला तो कहते हैं कि भाई पूरा कॉपी भर दिए थे, पूरा ये नंबर ये पूरा एक एक क्वेश्चन बना दिए थे फिर भी नंबर कम कैसे आया। तो सबसे पहला तो ये सर कि बिहार बोर्ड के बच्चों के मन में रहता है कि कॉपी भर देने से नंबर मिल जाता है, क्या ये बात सही है कि गलत नहीं, है सर? कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है सर, उसमें है क्या, सबसे पहले परीक्षा देने जाइए तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव है जो 50 वो बनाना है, पहले ऑब्जेक्टिव को बना लीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव में है कि उसका भी टोटल क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमें शॉर्ट क्वेश्चन 15 को बनाना है, लॉन्ग क्वेश्चन 4 को बनाना है ना, तो उसके बाद क्या करना है कि सीरियली नंबर से बनाइए क्वेश्चन को, सीरियली नंबर से, जैसे एक हुआ एक के बाद दो हुआ दो के बाद तीन, ऐसा नहीं क्या कि एक के बाद 5 लिख दिए, 5 के बाद 2 लिखिए, फिर क्या कीजिए, 7 लिखिए। सर बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को ये राय देते हैं कि जो तुमको पहले आ जाए वो बना लो, अगर पहले तुमको 10वां नंबर आता है तो पहले 10वां नंबर बनाओ, बाद में तुम दूसरा बनाना, तो जो बच्चों को ऐसा गाइड करते हैं कि जो तुमको पहले आता है वो पहले बना लो, तो क्या ऐसा करने से नंबर कट जाता है? कॉपी देखने वाला सर वो तो होता है कि जो सिस्टमेटिक सीरियल नंबर से जो लिखा रहता है ना, उसको माइंड में अथी रहता है कि क्वेश्चन
दो नंबर का क्वेश्चन है तो पहले दो नंबर का लोग देख के अथी कर लेता है, उसके बाद दो के बाद पांच लिखिएगा तो आपको भी देखने में खराब लगेगा। अच्छा, है ना, मैंने टॉप टेन में आना है चाहे टॉपर बनना है तो आपको पूरा क्वेश्चन को पढ़ना होगा, पढ़ के उसके बाद आपको जो मैंने बनने वाला हो वहाँ से सीरियल शुरू कीजिए और मैंने क्रम को नहीं तोड़िए आप। अच्छा अच्छा, है ना, पहले का कीजिए कि शॉर्ट को लिख दीजिए, शॉर्ट लिखने के बाद लॉन्ग को अथी कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर जो लिखे लिखने के बाद लाइनिंग कर दीजिए उसका। अच्छा, और दो पेन रखिए, ब्लू और ब्लैक रखिए। हाँ सर, ये बात तो हम भी बच्चों को बोलते हैं कि ब्लू और ब्लैक दो कलर का पेन रखिए हमेशा, उससे क्या होता है कि कॉपी जांच करने वाले को सहूलियत मिलती है। जी, जी। और कॉपी जांच करने वाले को जितना ज्यादा सहूलियत दीजिएगा वो उतना बढ़िया नंबर आपको देंगे। अगर सर आप कॉपी जांच कर रहे हैं, कोई ऐसा कॉपी आपके सामने आ जाए कि जिसका ना तो लिखावट पता लग रहा है ना तो सीरियल नंबर पता लग रहा है लेकिन लिखा सब है, तो क्या आप उसको नंबर देंगे? सर होता है कि जब आपका क्वेश्चन नंबर नहीं डालिएगा ना तो वहां पर देने के दो नंबर तक लोग काट के कुछ ना कुछ उसमें काट लेता है नंबर उसमें, आ जो सिस्टमेटिक लिखा हुआ है साफ से। हाँ एक बात है और, क्वेश्चन माने आंसर लिखिए तो कटिंग नहीं कीजिए। अच्छा, माने माइंड मेकअप करके चलिए कि हमको कहीं काट कुट ज्यादा नहीं करना है, है ना, काट कुट कर दीजिएगा तो पहले कॉपी को गंदा कर दीजिएगा तो उसके बाद आपका भी नंबर कटने की संभावना रहेगा। अच्छा, हैंडराइटिंग के बारे में सब टीचर बोलते हैं कि अगर हैंडराइटिंग बढ़िया रहता है तो कॉपी जांच करने वाले 5 नंबर एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, ये आप कभी दिए हैं किसी को? सर ऐसा बात नहीं है सर, साफ साफ लिखा रहना चाहिए हैंडराइटिंग। अच्छा, एक आध नंबर भी किसी को एक्स्ट्रा दिए हैं जिसका? नहीं, आज तक नहीं दिए किसी को नंबर भी। मतलब ये जो लोग कहते हैं कि अगर हैंडराइटिंग अच्छा रहेगा तो नंबर 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये बात गलत है। राइटिंग जिसका ठीक है ना, तो जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो होता है कि देखता है कि इसको के 5 नंबर हम दे दे। अच्छा, मतलब फुल मार्क्स मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा अपना मन से 5 नंबर दे दिए? मतलब ये है कि नंबर कटता नहीं है, पूरा नंबर हम दे देते हैं। अच्छा एक बात और सर, जैसे कॉपी का जो पहला पेज होता है जिस पर तो नाम वगैरह लिखा रहता है उसके जस्ट पीछे से लिखना होता है, उसके जस्ट पीछे वाला पेज से कॉपी का फर्स्ट पेज रहता है ना, जिस पर रोल नंबर रोल कोड सब फोटो लगा रहता है, उसके पीछे रहता है एक रहता है जो टीचर के लिए जो मार्किंग होगा ना उसके लिए पेज रहता है बच्चे, है ना, और उसके बाद जो फर्स्ट पेज होता है ना उस पेज से शुरू कीजिए, इस पेज पर नहीं शुरू करना। ये कुछ बच्चे होते हैं क्या ना कि जैसे पन्ना उल्टे और इधर से लिखना शुरू कर देते हैं, उस पेज से लिखना तो जो उस पेज में लिख दिए वो तो बाद में फट करके बिहार बोर्ड ऑफिस चला जाता है, तो वो वाला नंबर तो उनको ऐड नहीं होता होगा ना। जैसे होता है कि फर्स्ट पेज फटा सर, फर्स्ट पेज का फाड़ लिया जाता है, फिर हम लोग भी देखते हैं क्योंकि उस पेज में से फिर जो रहता है वाट सीट रहता है उसको फाड़ के हम लोग पैक कर देते हैं। अच्छा, है ना, पैकिंग के बाद क्या होता है कि जिस पर नंबर आता है ना वो पेज लगा हुआ रहता है। अच्छा, आप सर अगर कॉपी जांच करते हैं तो एक दिन में कितना कॉपी जांच करने के लिए मिलता होगा? एक दिन में सर फर्स्ट दिन 10 कॉपी हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, सेकेंड दिन से टारगेट रहता है कि 50 कॉपी चेक करना है। अच्छा, 50 कॉपी मतलब एक दिन में चेक करना होता है। कभी ऐसा भी होता है सर कि ऊपर से प्रेशर आता है कि भाई जल्दी जल्दी कॉपी जांच करिए चाहे जैसे भी हो जल्दी करना नहीं, है? नहीं सर ऐसा नहीं रहता है, लिमिट है कि एक दिन में आपको 50 ही करना है। ऐसे है कि कॉपी देखिएगा तो 50, 60, 70 जैसे सेकंड दिन से 70 कॉपी देख सकते हैं, फिर मार्क्स भी तो चढ़ाना है उसको। अच्छा, कॉपी जांच करते समय सर ये पता चल जाता है कि किस बच्चा का कॉपी हम जांच कर रहे हैं? नहीं सर, या बार कोडिंग लगा रहता है बच्चा की कॉपी, पहले तो सर पता चलता है, पहले चलता था अब नहीं चलता है। अच्छा, मैंने किस बच्चे का, अगर साजिया का भी कॉपी अगर आपके पास सर पहुंच गया होगा नहीं, तो आपको नहीं पता चला होगा कि भाई इसका कॉपी खुद हमारी बेटी का कॉपी है? नहीं, वो कोई कहता है तो गलत कहता है, बार कोडिंग लगा रहता है कॉपी पता नहीं चलता है। अच्छा सर, ऐसा जैसे आप हाई स्कूल में कौन सा विषय पढ़ाते हैं सर? मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन सर कॉपी जांच करने के लिए जाते हैं तो कौन सब्जेक्ट का कॉपी जांच करते हैं? हमको मैथ का मिलता है, लेटर मिलता है, हर एक साल आता है मैथ का लेटर। अच्छा, मतलब मैथ के टीचर हैं तो सिर्फ मैथ का ही कॉपी जांच करेंगे? बिहार बोर्ड के बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं बिहार बोर्ड के बारे में कि भाई हाई स्कूल के कोई भी टीचर को उठा दिया जाता है, कोई भी सब्जेक्ट का कॉपी दे दिया जाता है, गलत है सब। कभी कभी क्या होता है सर कि फुल मार्क्स जोड़ने में गलती हो जाता है, जैसे बहुत सारे बच्चे का शिकायत आता है कि साइंस में तो बढ़िया नंबर है, सोशल साइंस में बढ़िया नंबर है, सब कुछ में बढ़िया है लेकिन हिंदी में कम नंबर है, तो वहाँ पर होता है क्या कि मार्किंग में गलती हो जाता है, जैसे पूरा कैलकुलेट करने में जोड़ने में हो जाता है दिक्कत, वो वहाँ पर टीचर से मिस्टेक हो जाता है, तो फिर उसके लिए क्या प्रावधान है सर? उसमें आप लोग पर क्लेम आ जाता है या फिर बोर्ड ऑफिस खुद उसको सुधरवाता है?
ऐसा रेयर केस में होता है, कभी कभी तो लोग बच्चा चैलेंज करता है, तो चैलेंज में आपका माने क्या नंबर जोड़ने में गलत कहीं मिस्टेक हुआ तो उसको नंबर को जोड़ा ऐड किया जाता है और किसी। अच्छा मैथ के टीचर हैं सर, तो एक सवाल और बन जाता है, मैथ में लोग कहते हैं कि अगर आधा बनाओ तो आधा का नंबर भी मिल जाता है, तो जैसे 5 नंबर का सवाल है तो वहाँ पर 2 नंबर या 2.5 नंबर मिल जाता है। देखिए यह पहले नहीं होता था, अब होता है कि मैथ में केवल फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा ना तो एक नंबर मिलता है, अब स्टेप बाय स्टेप कॉपी चेक होता है। अच्छा मतलब जो सवाल है उसमें जो फॉर्मूला लगना है तो वो फॉर्मूला भी अगर लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाता है। आपके अगल बगल में तो और भी सब टीचर बैठते होंगे सर, बाकी सब सब्जेक्ट के? ना केवल मैथ के ही रहते हैं, वहाँ पर जिस सेंटर पर होता है ना मैथ वहाँ पर मैथ के। चलिए सर बहुत बढ़िया है, तो आगे जो बच्चे सर लिखते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चीज तो ये है कि पहला चीज वो हैंडराइटिंग बना करके लिखे। जी हैंडराइटिंग। अच्छा सर एक चीज और, लघु तरीय में जैसे रहता है कि भाई 4-5 लाइन लिखना है जो 2 नंबर वाला सवाल होता है, और 5 नंबर वाला सवाल में होता है कि कम से कम भाई 10-15 लाइन लिखना है, तो क्या आप लोग लाइन भी गिनते हैं कि भाई देखते हैं कितना लाइन लिखा है ये? मैथ में सर लाइन पर नंबर नहीं मिलता। नहीं, मैथ का बात नहीं कर रहे सर, बाकी सब्जेक्ट का बात करें, जैसे आपके अगल बगल में तो शिक्षक बैठते होंगे तो कुछ अनुभव होगा। बाकी सब्जेक्ट के नहीं, सोशल साइंस में है कि जितना उसका है 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के लाइक लिखिएगा ना सर। अच्छा, कम से कम आधा पेज लिखिए उसको 2 नंबर के, जब 5-7 लाइन तो लिखना ही होगा। अच्छा, और लॉन्ग क्वेश्चन लिखे, लॉन्ग 5 नंबर का है तो कम से कम 1.5 पेज लिखिए। अच्छा, 1.5 पेज 1 पेज से कम नहीं लिखिए। अच्छा देख लिए ना बच्चों, आप लोग हमेशा बोलते थे कि सर बड़ा बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिखवाते हैं आप, बड़ा बड़ा आंसर नहीं होता है ये, अगर आप 2 नंबर वाला में कम से कम 5-6 लाइन ना बोले सर, 5-6 लाइन नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर पूरा नहीं मिलेगा। अगर कोई सर 2 ही लाइन लिख करके छोड़ देता है उसमें कहने मतलब कि आप उसके कॉपी देखने वाला को, कॉपी देखने वाला के ऊपर निर्भर करता है कि क्या है वो उसका आंसर 2 ही लाइन में होगा या फिर ज्यादा भी हो सकता है। अगर ज्यादा हो सकता था तो ज्यादा लिखना चाहिए था। ऐसे सोशल साइंस में सर जो है कम से कम 4-5 लाइन कितना लिखेगा तो 4-5 लाइन लिखना होगा 2 नंबर वाला में, और 5 नंबर वाला में कम से कम 150-200 शब्द तो लिखना ही होगा कम से। अच्छा, और एक चीज बच्चा को ये भी देखते हैं कि बहुत बच्चा क्या करता है कि नहीं आता है तो केवल क्वेश्चन लिख के भर देता है पूरा कॉपी, वैसा भी नहीं करे। अच्छा सर आप लोग क्या प्रयास करते हैं, जैसे बच्चा अगर मान लिया जाए कि आपके सामने तो हर एक प्रकार का कॉपी आता होगा, बहुत सारा बच्चा जो फेल कर रहा है उसका भी कॉपी आता होगा कि जिसका 28-30 नंबर भी नहीं पूरा हो रहा है, तो आप लोग अपने तरफ से थोड़ा सा सहानुभूति दिखाते हैं सर कि मतलब कि उसको पास कर दिया जाए कैसे, चलो भाई बच्चा है पास करवा देते हैं। हम लोग कॉपी जो देखते हैं ना सर, हम लोग कॉपी सहानुभूति पूर्वक ही देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई बच्चा 25 नंबर ला रहा है, 26 नंबर ला रहा है, अगर 3-4-5 नंबर और अगर होता तो पास कर जाता, तो वैसे बच्चों के साथ क्या करते हैं, अपने मन से 2-4-5 नंबर बढ़ा सकते हैं? अब पता नहीं चलता है सर, जैसे 50 नंबर का कॉपी हम लोग को देखना होता है, 50 नंबर का बोर्ड चेक करती है। बहुत सारा कॉपी ऐसा भी होता होगा ना कि भाई बच्चा एकदम फेल कर रहा है जिसका 28-30 भी नहीं पूरा हो रहा है, तो वैसे बच्चों के प्रति थोड़ा सा सहानुभूति। देखिए जितना लिखा रहेगा उतना ही नंबर देंगे हम, सहानुभूति क्या रहेगा, कुछ नहीं रहता है। कॉपी नहीं लिखा रहेगा तो नंबर नहीं देगा। अच्छा 50 जैसे 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है, तो अगर किसी का 50 में 50 आ जाता है तो थोड़ा सा वहाँ पर सर देने में हिचकिचाहट भी होता है, अगर 50 में 50 दे रहे हैं कहीं फिर ऑब्जेक्शन ना हो जाए। मैथ में सर जिसका कॉपी लिखा हुआ रहता है, पिछला साल भी हम दिए हैं 50 में 50, इस बार भी दिए हैं 50 में 50। अच्छा 50 में 50 दिए, तो 50 में 50 सर देते हैं तो वहाँ पर ये नहीं रहता है कि भाई अगर ये टॉपर बन जाएगा तो फिर से इसका कॉपी रीचेक होगा, तो हमारा जो जांच किया हुआ है फिर से चेक होगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा डर भी लगता है। कॉपी जो बच्चा लिखा हुआ है सर, तो उसको 50 से 50 देने से कोई आपत्ति नहीं है। और क्या होता है कि 50 से 50 ऐसा आता है ना रेयर केस में, जो हमसे हेड रहते हैं उनका भी, उनसे भी चेक करा लेते हैं हम लोग कॉपी। अच्छा अच्छा, मतलब जिनका 50 में 50 दे रहे हैं उनको एक बार अपने सीनियर से जरूर चेक करवाते हैं कि हाँ सर देखिए इसका 50 में 50 दे रहे हैं, एक बार जाँच कर लीजिए। अच्छा, और बाकी जिसका कम आता है तो उसका तो बस निकलते चला जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा? उसमें कोई दिक्कत नहीं होता।
अच्छा, और अच्छा से लिखा रहेगा तो 50 से 50 मैथ में आता है, नंबर हम लोग देते हैं। अच्छा, बोर्ड ऑफिस से तो कुछ टिप्स आता होगा सर कि नहीं, जैसे होता है ना कि बहुत बार सुने हैं कि इलेक्शन के टाइम में बच्चों को पास किया जाता है जान करके, तो कभी ऐसा बोर्ड ऑफिस ऑर्डर मिलता है कि देखिए भाई थोड़ा कॉपी बढ़िया से जाँच करिएगा, ज्यादा बच्चा फेल ना हो? हम लोग को नहीं आता है, मगर हम लोग कॉपी सहानुभूति पूर्वक ही चेक करते हैं। बहुत सारे बच्चे के कॉपी में से पैसा निकलता है सर, कभी पैसा निकला है? पैसा नहीं निकला है, हम कॉपी चेक किए हैं तो पैसा एक आध साल उधर निकला था, अब नहीं। एक आध साल निकला था सर, कितना निकला था? जिसे पहले होता था कि ना कि बच्चा जब फेल करने लगता था ना तो पैकेट में से पैसा निकाल के कॉपी में घुसा दिया कि सर के जो सर कॉपी जांच करेंगे पैसा के लोभ में आकर के नंबर दे देंगे, ऐसा नहीं। अब ऐसा नहीं ना होता है सर कभी? हाँ, पीछे कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि जैसे बच्चा कॉपी लिखा और पीछे अपना मोबाइल नंबर लिख दिया कि सर अगर कॉन्टेक्ट करना हो तो कर लीजिएगा, घर पहुंच जाएगा पैसा। कभी ऐसा नंबर उम्र देखे सर कॉपी में? नंबर तो हर एक साल लिखा रहता है हमारा, हम लोग को। अच्छा, नंबर लिखा रहता है, मतलब बच्चे अभी भी हरकत करते हैं कि सर सर अगर बिकाऊ होंगे तो भाई बिक जाएंगे, फोन करेंगे कि भाई देखो फेल कर रहा है पैसा दे दो, लिखा रहता है। और उस पर आदमी नंबर नहीं देता है, कोई भी आदमी नंबर नहीं देता। हाँ, वो तो बच्चे लिख देते हैं कि भाई सर देखेंगे तो दे देंगे, लेकिन उस पर तो नंबर लोग, क्योंकि सबके नौकरी का सवाल होता है, जैसे आप लोग भी अगर कॉपी जांच करते हैं तो आप लोग का भी नौकरी है सर, अगर उस 150 200 400 के लोभ में आ जाएगा तो आदमी अपना नौकरी थोड़े गवाएगा। चलिए सर, तो बहुत अच्छा लगा, और बच्चों जो टिप्स आप लोग को ये दिए हैं, जितना भी फैक्ट था बोर्ड से संबंधित कि किस तरीके से कॉपी जांच होता है, और यहाँ पर बगल में देख रहे हैं हमारे दूसरी तरफ सादिया प्रवीण भी बैठी हुई है जो कि बिहार बोर्ड स्टेट टॉपर है, एक तरफ पिताजी हैं, उधर देख रहे हैं इनके माताजी हैं और ये छोटे भाई हैं, तो सब लोग यहाँ पर आए हैं मिलने के लिए टारगेट बोर्ड के ऑफिस में, और इनको हमारे तरफ से जो एक लैपटॉप इनाम के तौर पर दिया गया था, यहाँ पर लैपटॉप भी दिया गया है। बच्चों को हम हमेशा प्रोत्साहित करने के लिए, आगे मोटिवेट करने के लिए हम छोटे मोटे इनाम देते रहते हैं कि भाई बच्चे आगे मोटिवेट होते रहे, और आज हम साजिया से एक वादा भी किए हैं कि अगर ये इंटर में टॉपर बनती है तो ऐसा 2 लैपटॉप हम इनको देंगे, और अब की बार सर एकदम घर पर आ करके देंगे। तो किस तरीके से कॉपी लिखना है, किस तरीके से कॉपी जाँच किया जाता है, ये आप इस वीडियो में पूरा देख लिए। तो जब भी प्यारे बच्चे, अगर आप लोग मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को कि किस तरीके से कॉपी लिखा जाता है, और बाकी तो हम आपको क्लास में गाइड करते ही रहते हैं। तो ऐसे ही लगातार टारगेट बोर्ड के साथ बने रहिए, आगे भी आपको इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स वगैरह मिलते रहेगा, और जो भी आपके लिए संभव हो सकेगा प्यारे बच्चे, वो आपके लिए हम जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।